तो है गाइस, ये जो जड़ी बूटी आप देख सकते हैं ये बहुत ही कमाल का जड़ी बूटी होता है। अगर आप इस जड़ी बूटी से अगर आप चाहते हैं आपका वशीकरण करने के लिए, आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं, किसी भी लड़की को पटा सकते हैं, किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का जड़ी बूटी होता है। अगर आप इस जड़ी बूटी से किसी भी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, प्यार पागल दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ये जो जड़ी बूटी आप देख सकते हैं ये वही जड़ी बूटी है जिससे आप किसी भी स्त्री को कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी को अमरूद बोलते हैं। अमृत जो अमरूद खाते हैं वो अमरूद का पत्ता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इस अमरूद का पत्ता से आप किसी भी स्त्री को अपना बस में कर सकते हैं, अपने प्यार पागल और दीवाना बना सकते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे पेड़ है, जो पेड़ या पत्ता पे यहाँ पे जिस किसी स्त्री को अगर आप चाहते हैं तो उस स्त्री को आप अपना नाम लिख देना है जिससे वो स्त्री आपके प्यार पागल और दीवाना हो जाता है। ये बहुत ही कमाल का टोटका होता है मेरे दोस्तों। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, जिस स्त्री को आप पसंद करते हैं, आपका अगर शादी नहीं हो रहा है, आपका तलाक नहीं हो रहा है, जिस लड़का हो चाहे लड़की, वो पुरुष इसको वशीकरण को अपनाता है तो आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम बन जाता है अगर आप इसको करते हैं तो गैस ये बन जाएगा आपका। अगर आप चाहते हैं जिससे आपका तलाक का प्रॉब्लम हो, लव प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वशीकरण करते हुए कोई भी व्यक्ति आपको देखे नहीं, कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं, ताकि ये आपका जल्दी काम करेगा। अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर आपको टोकता है, बोलता है, तो आपका जो भी वशीकरण है वो काम नहीं करेगा। जिसको आपको अकेले करना है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी देखे नहीं, इसको आपको अकेले करना है। जो कोई भी आदमी आपको देखे नहीं, टोके नहीं, उस समय आपको करना है, यानी इसको रात में करना है। उस स्त्री के इस पेड़ पे नाम लिख देना है या पत्ता पे नाम लिख देना है और काला धागा में, और काला धागा को 3 टाइम नाम लिख के बोलना है। जिस स्त्री का नाम यहाँ पर करना है उस स्त्री